Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama, part 2. In previous video, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. उसमें हमने देखा गया था कि प्रशांत जो है वो अपने फ्रेंड के घर पर होता है और अचानक से स्टॉर्म आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, ठीक है। तो अब जो है वो अपने फ्रेंड के घर से अपने विलेज पहुंचता है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। और अब वो कहाँ जाता है, रेड क्रॉस शेल्टर में जाता है देखने के लिए कि मेरी फैमिली अभी भी जिंदा है या नहीं है। सो लेट्स रीड द चैप्टर, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 39। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वॉज हिज मटर्नल ग्रैंड मदर। तो अब जैसे ही वो रेड क्रॉस शेल्टर के अंदर जाता है तो जो सबसे पहला पीपल जो देखता है वो किसे देखता है, वो इतने बड़े क्राउड में, इतनी ज्यादा भीड़ में उसकी मदर की साइड से उनकी ग्रैंड मदर होती है वो उनको देखता है। वीक विथ हंगर शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रीमिंग। तो अब जो है वो बहुत ही कमजोर पड़ी हुई होती है, ठीक है, बहुत ही भूखी होती है और वो भागती हुई है प्रशांत को देख करके उसके पास आती हैं और वो क्या करती हैं, अपने हाथ फैलाती हैं और उसको उनकी जो आंखें होती हैं वो भी ब्रेमिंग यानी कि भरी हुई होती हैं। इट वॉज अ मिरेकल, और ये एक चमत्कार ही था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। क्यों चमत्कार क्यों था, क्योंकि प्रशांत ने तो सोचा था कि मेरी फैमिली जो है कहीं सारे मर तो नहीं गए, बट प्रशांत को जो है उसकी फैमिली का कोई पर्सन दिखा तो उसके लिए ये सब एक चमत्कार जैसा ही था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग हिम टाइट इन रिलीफ। तो अब हुआ क्या, धीरे धीरे प्रशांत की पूरी फैमिली जो थी वो उसके आसपास इकट्ठी होगी, उसको धीरे धीरे एक एक करके पूरी फैमिली अपने मिलगी, उसकी पूरी फैमिली ने उसको टाइटली हग किया और उसको जो है थोड़ी सी रिलीफ मिली, शांति मिली अपनी फैमिली को देख करके। क्यों, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा वरिड था। प्रशांत एनेक्शियसली स्कैन द मोकली, और प्रशांत जो है वो बड़े ध्यान से अपनी पूरी फैमिली को देख रहा था। बेटर ग्रुप हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। अपने ब्रदर को, सिस्टर को, अपने अंकल को, आंट को, ठीक है, वो भी सब के सब वही थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। तो अब क्या हुआ, अब अगली सुबह उसने जो है जो शेल्टर के अंदर की जो सिचुएशन हो रखी थी वो कम्प्लीटली डेस्परेटली सिचुएशन हो रखी थी, तो उसने जो है उस सिचुएशन को देखते हुए अपने आप पर थोड़ा सा काबू किया। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और उस शेल्टर में लगभग 2500 लोग रुके हुए थे, ठीक है, जो बिल्कुल कहते हैं ना अपने डेथ के दुख से निकले हुए थे वो। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और विलेज के 86 लोग से 86 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, और 96 हाउस ऐसे थे जो कंप्लीटली पानी में बह गए थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, और ये जो है उनका शेल्टर में आज फोर्थ दिन था, चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टमल्ट ऑफ पीपल। अब वो अब तक, आज चौथा दिन था शेल्टर में, अब तक वो किसके ऊपर सर्वाइव कर रहे थे, जो कोकोनट थे, जो नारियल थे हरे हरे उनको खा करके वो सर्वाइव कर रहे थे, जी रहे थे, बट अब नारियल भी जो है खत्म होने लगे थे, ठीक है, और इतने सारे लोगों में जो है जो नारियल थोड़े बहुत बचे थे उनमें उनका काम नहीं चलना था। प्रशांत ऑल ऑफ 90 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ द विलेज इफ नो वन एल्स डिड। अब प्रशांत जो है वो केवल 19 साल का बच्चा था
और उसने जो है अपना एक सोचा कि जब कोई उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में कोई आगे ही नहीं आ रहा था, उसने सोचा कि वो जो है मैं जो है विलेज का लीडर बनता हूँ। ही ऑर्गेनाइज्ड मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। तो अब जो है ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशर द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। तो फिर अब वो एल्डर मतलब लीडर बना, उसने क्या करा, उसने जो है जो यूथ लोग थे, ठीक है, जो जवान लोग थे, उन सबका जो है ग्रुप बनाया, ठीक है, और सबने जो है जो मर्चेंट लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनको प्रेशराइज करा कि तुम्हारे पास जो राइस है तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि वो अपने पास रख करके बैठे थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली वेडिंग थ्रू द रिसीविंग वॉटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। तो अब इस टाइम पर जो था उनके ग्रुप की जीत हुई थी, व्यापारियों ने क्या करा था, राइस जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है, और इससे क्या हुआ था, जो वाटर था वो वाटर भी अब धीरे धीरे कम होने लग गया था, और जो शेल्टर में जितने भी लोग थे सबको खाना मिल पाया था। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, और इस चीज की किसी को चिंता ही नहीं थी कि जो राइस थे वो ऑलरेडी खराब हो चुके थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलुक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। तो अब क्या हुआ, जो गिरे हुए जितने भी ट्रीज थे उन सबकी ब्रांचेस को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके उनमें जो है आग जलाई गई ताकि उनके ऊपर राइस को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। तो अब पहली बार ऐसा हुआ था 4 दिनों में कि जितने भी सर्वाइवर शेल्टर में रह रहे थे सबको आज पेट भर के खाना मिला था। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फ्लिट यूरिन वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकेसेस एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हू हैड बीन इंजर्ड। तो अब हुआ क्या, अब एक टास्क तो उसने कंप्लीट कर लिया, लोगों का पेट भर दिया। अब उसका दूसरा टास्क क्या था, उसने क्या करा, जो वॉलंटियर्स कौन होते हैं, जो अपनी इच्छा से आगे आते हैं हेल्प करने के लिए, उन्हें बोला जाता है वॉलंटियर्स। तो वो यूथ, वो लोग जो अपनी इच्छा से आगे आए हेल्प करने के लिए, दूसरा टास्क उसका ये था जो शेल्टर में जितनी भी गंदगी फैली हुई थी उसको क्लीन करना, चाहे वो यूरिन था या फिर लोगों ने वॉमिट कर रखी थी या फिर जिन लोगों की डेड बॉडीज फ्लोट कर रही थी, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को बूम यानी कि चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, कुछ इंजर्ड हो गए थे, कि इन सबका जो है ये जितनी भी गंदगी फैली हुई थी सबको क्लीन करना, ये उसका था दूसरा टास्क प्रशांत का। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। 5वें दिन क्या हुआ, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया, ठीक है, जो उनके शेल्टर के ऊपर उड़ रहा था, उसने जो है कुछ फूड के पैकेट्स जो है नीचे गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद वो नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वॉटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स। तो अब क्या हुआ, अब यूथ जो थी, ठीक है, उसने क्या करा, यूथ टास्क फोर्स जो थी उसने जो है जितने भी एम्प्टी यूटेंसिल्स मतलब जितने भी खाली बर्तन थे उन सबको गैदर किया, उन सबको इकट्ठा किया शेल्टर से, और उन्होंने जो है क्या करा, बच्चों को बोला कि जो यहाँ पर जैसे पानी चला गया था, अब पानी जाने के बाद रेत रह गई थी, बच्चों को बोला तुम जो है बर्तन लेकर के रेत में लेट जाओ और बर्तन को अपने स्टमक पर रख दो, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि जो हेलीकॉप्टर्स ऊपर से आसपास से गुजरे उसको ये मैसेज दे सके कि यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं जो कि भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर एयर
एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से जो भी हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहे थे उनको ये मैसेज मिल गया, और वहां पर जो है क्या मैसेज मिला कि यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं जो कि भूखे हैं, और हेलीकॉप्टर जो थे वो डेली उस शेल्टर के ऊपर जो है चक्कर लगाने लग गए। जो भी लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं या फिर खाना होता है वो वहां पर ऊपर से नीचे गिरने लग गए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। तो अब प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब अनाथ हो चुके थे। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने क्या करा, सारे अनाथ बच्चों को इकट्ठा करा और उनके लिए एक अलग से पॉलीथीन का टेंट बना दिया और उनको जो है उस टेंट में रखा। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. और उसने जो है औरतों को बोला कि तुम इन बच्चों की देखभाल करना जो कि ऑर्फनेज है, अनाथ हो गए हैं, और जो आदमी लोग थे उनको बोला कि तुम सब जो इनके खाने वाने की या फिर जो भी इनकी बेसिक नीड्स से जरूरतों का तुम ध्यान रखना। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब जैसे जैसे और हफ्ते बीतते जा रहे थे, प्रशांत को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि जितनी भी औरतें हैं या फिर बच्चे हैं वो इस दुख में और भी ज्यादा डूबते जा रहे थे। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। उसने क्या करा, धीरे धीरे वुमेन्स को बोला कि जो एनजीओ के द्वारा जो फूड प्रोग्राम चला हुआ है तुम उनमें जाकर के वर्क करो। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों के लिए उसने क्या करा, स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा ताकि वो खेले, अपना कामों में बिजी हो तो उनका तो वो इस दुख से बाहर निकले। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, इवन प्रशांत को भी जो है क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। तो अब हुआ क्या, अब प्रशांत ने बच्चों के लिए इस तरीके से जो है क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज कर लिया था। प्रशांत जो है अब कहाँ बिजी हो गया, जो और वॉलंटियर्स थे जो और अपनी इच्छा से हेल्प करना चाहते थे लोगों की, उनके साथ एंगेज हो गया, उनके साथ बिजी हो गया। किसकी हेल्प करने में, जो विडोज थे ठीक है, और जो बच्चे लोग थे उनको जो है ताकि वो अपनी जो उनकी बिखर चुकी है जिंदगी उसको वो समेट सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। तो अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का क्या प्लान था कि एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो विडो लोग हैं ठीक है, या फिर जो ऑर्फन्स है, ऑर्फन्स यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान आया। However, this step was successfully resisted, और कई लोगों ने इस प्लान का जो है विरोध भी किया। As it was felt that in such institutions children would grow up without love. क्यों विरोध किया, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चे बड़े तो हो जाएंगे लेकिन उन्हें किसी का भी प्यार नहीं मिल पाएगा। And widows would suffer from stigma and loneliness. और जो विडो लोग हैं वो अकेलेपन से और ट्रोमा से ही गुजरेंगे ठीक है, वो इसी में ही भरे रहेंगे। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। अब जो प्रशांत का जो ग्रुप था उनका क्या विश्वास था कि ये जितने भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी के हैं इनको जो है अपनी कम्युनिटी में ही हम वापस से रीसेटल करेंगे, अपनी कम्युनिटी में ही जगह देंगे। Possibly in new foster families made up for childless widows and children without adult care. तो अब उन्होंने क्या करा कि जिन जो जो विडोज लोग थी जिनके बच्चे नहीं थे उनको जो है बच्चे दे दिए ताकि उनको बच्चों को भी नए माँ बाप मिल सके ठीक है, और जो एडल्ट केयर थे जो बड़े लोग थे मतलब जो जवान लोग थे मैरिड थे उनके बच्चे नहीं हुए थे उनको भी
बच्चे दे दिए ताकि वो भी जो है उनकी जो अनाथ बच्चों की वो केयर कर सके। इससे क्या होगा, इससे बच्चे बड़े भी होंगे और उन्हें माँ बाप का प्यार भी मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जाता तो बच्चे बड़े तो हो जाते उन इंस्टीट्यूशन में, बट उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब जो है 6 महीने बीत चुके थे इतने बड़े साइक्लोन के बाद। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। अब जो है प्रशांत की खुद की भी आत्मा इतनी ज्यादा दुखी थी बट वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसे जो है दूसरे लोगों का दुख दिखाई दे रहा था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। और जो उसका जो फेस था प्रशांत का वो उस दुख के समय में सामने आया जब जो विडो लोग थे और जो ऑर्फन अनाथ बच्चे थे उस टाइम पर जो है प्रशांत जैसे फेस की जिस फेस की उन लोगों को तलाश थी वो फेस था प्रशांत का। और उनके दुख में जो है प्रशांत का दुख जो था वो अपने आप ही कम्प्लीटली भर चुका था। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो चैप्टर हमने किया है द वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।